हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ आपके पास अपनी नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे 3 आइडिये बताऊंगी जो आप अपने बच्चों के स्कूल फंक्शन के लिए बहुत ही आसानी से बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं और बाज़ार से ना खरीदें और इन्हें घर पे बनाएं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो आप देखो, मेरा पहला आइडिया तो बातों ही बातों में बन के तैयार भी हो गया और है ना बिल्कुल ईजी। इसमें कुछ आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, बस सिंपली ट्राई कलर की ऊन को मैंने जैसे चोटी गूंथते हैं उस तरीके से गूंथ के एक पुराने हेयर बैंड पर मैंने स्टिक कर दिया है और ये मेरे बच्चे के लिए ट्राई कलर का हेयर बैंड बन के तैयार है। तो इसी तरीके से हम 2 और हैक करेंगे और वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट कौन सा वाला है। चलिए चलते हैं अब अपने दूसरे आइडिये की तरफ। जो ये मेरा दूसरा आइडिया है ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मतलब मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। तो इसमें मैंने 3 बैलून ले लिए हैं क्योंकि मैं ट्राई कलर थीम पे ही तीनों आइडिया बताऊंगी, तो इसलिए मैंने ट्राई कलर के बैलून लिए हैं। अगर आपको कुछ और मैचिंग बनाना है तो उसी कलर के आप बैलून ले सकते हो और उनको सिंपली से मैं ऐसे देखिए कट कर लूँगी, नीचे का पार्ट कट करके अलग कर दूँगी और बीच का अलग कर दूँगी ताकि ये इस तरीके से आ जाए कट के इस तरीके से। अब इसके बाद मैंने क्या लिया है, मेरे पास पुराने कंगन रखे हुए थे, उन कंगनों को लूँगी मैं और इस कंगन को इस बैलून को इसके ऊपर लगा दूँगी, तो इस तरीके से ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब यही चीज़ मैं अपने 2 कंगन और हैं उस पर अलग अलग कलर से लगाऊँगी, एक में वाइट और एक में ग्रीन। देखिए ये हमारे ट्राई कलर के कंगन बनके तैयार भी हो गए। अब मैं इन्हें फटाफट आपको पहन के दिखा देती हूँ। तो ये भी रेडी है, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे हैक की तरफ। ये वाला हैक आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है, कमेंट में जरूर लिखना कि आपको सबसे फेवरेट कौन सा लगा है। तो इसमें सिंपली मैंने बैलून को कट कर लिया है, मैंने एयरिंग्स ले लिए हैं गोल वाले और इसके ऊपर मैं 3 कलर के बैलून लगाऊंगी अपने ट्राई कलर में। इसके बाद ये मैंने लगा दिए हैं ना, इसके बाद मैं एक धागा लूँगी, मैंने वाइट लिया है, आप चाहें तो अगर ब्लू कलर का धागा है तो वो ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा ट्राई कलर का झंडा वाला लुक दूँगी, तो बीच का चक्र ब्लू कलर का होता है तो और भी अच्छा लगेगा। मैंने वाइट लिया है, बस सिंपली से डाला और इसे पकड़ के खींच दिया, गांठ बांध दी एक। अब इसको मजबूत करने के लिए इस पर एक और गांठ बांधेंगे, एक्स्ट्रा जो धागा है उसको कट कर लेंगे। देखिए कितने सुंदर प्यारे से एयरिंग बन गए बस कुछ ही मिनटों में। तो ये हमारे 3 चीज़ें बनके तैयार है। तो गाइस आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।